आज के टोटके में आपको मैं एक ऐसी चीज बता रही हूँ जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अगर बच्चों को साइनस, एस्थमा, म्यूकस या फिर कोल्ड कफ हो भी जाता है या माइग्रेन भी रहता है, आपको अपने आप भी या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई और तकलीफ है, तो ये वाला टिप आपके लिए है। सो सर्दियों में आजकल कॉमन ये हो ही रहा है और बहुत लोग विक्स लगाते हैं और बहुत चीज़ें करते हैं। आपको एक ऐसा टिप आज बता रही हूँ जो टीपू सुल्तान के टाइम से चल रहा है। टीपू सुल्तान नीलगिरी के पहाड़ों से ये वाला एक टिप आपके सामने लेकर आए हैं। सो ये आपने सफ़ेदे का पेड़, यूकोलिप्टस का पेड़, नीलगिरी का पेड़ ज़रूर देखा होगा, आपके आसपास ही लगता होगा। लेकिन हाँ, ये एक स्पेशल टाइप का होना चाहिए, हर एक यूकोलिप्टस सेम नहीं होता है, तो आप उसकी क्वालिटी देख लीजिएगा। आप यूकोलिप्टस का पत्ता तोड़ के लाइए और उसको ऐसे क्रश कीजिए अच्छे से, और अगर आप ये ऐसे देखेंगे, यहाँ पर हल्का सा ऑयल नज़र आया है मुझे, लेकिन उतना ऑयल नहीं नज़र आया, तो मुझे ये पता चल गया कि ये वाला जो पत्ता है ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो मैं कोई और पेड़ देखूंगी। हाँ, सो आप इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं क्योंकि यूकोलिप्टस के भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। सो इन्हीं में से तेल निकलता है, पर ये वाला उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ इसकी स्मेल जो है ये बिल्कुल इसी यूकिलिप्टस से मिलती है जिसका मैं तेल, नीलगिरी का तेल खरीद कर लेकर आई थी। नीलगिरी का तेल मैं सिर्फ बच्चों के लिए कोल्ड कफ या स्टीम के लिए नहीं इस्तेमाल करती हूँ, इनफैक्ट मैं उनके हेयर फॉलिकल्स में भी लगाती हूँ। तो जिनको भी एलोपेशिया या बाल झड़ते हैं तो आप क्या करेंगे, नीलगिरी का तेल हेयर फॉलिकल्स में, बालों में नहीं, हेयर फॉलिकल्स में लगा लीजिए और उसको आप एक किंग क्लिंग शीट से या एक कैप पहन के सो जाइए। सुबह आपने वॉश करना है नीम के पानी में और आपका जो हेयर फॉलिकल्स है वो इतना स्टिमुलेट हो जाएगा कि आपके नए बाल भी आएंगे। उसके अलावा हेयर हेल्थ तो इम्प्रूव करती है, ये एक बहुत ही अच्छा मसाज ऑयल है। अगर आप बच्चों के चेस्ट में या खुद के चेस्ट में इसे मसाज करते हैं या आप आर्थराइटस या आपके घर पर किसी को भी पेन होता है, ये ऑयल अगर आप लगाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है। सो खैर, अभी मैं आपको बता रही थी नीलगिरी के फ़ायदे, लेकिन टोटका क्या है। टोटका ये है कि अगर आपको ज़ुकाम, खांसी या ऐसा कुछ भी है तो आप ये नीलगिरी के पत्ते तोड़िए, आप थोड़े कैमोमाइल के फूल भी ले सकते हैं, कैमोमाइल टी अगर आप यूज़ करते हैं वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, और तीसरा आप ये जैसे मैं लेकर आई हूँ मेंथॉल, ये रियल मेंथॉल है। तो आप, अभी मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगी कैसे आपको इस यूज़ करना है। सो आप ये मेंथॉल, ये तो देखो बहुत ही सारा मेंथॉल है, पर आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, इतना सा क्रिस्टल। लेकिन अगर आपके पास ये प्योर मेंथॉल नहीं है, आप पेपरमिंट के पत्ते या मिंट के पत्ते भी बॉईल कर सकते हैं, या आप एक मेंथॉल ऑयल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को आप, अगर आप इसको पीने वाले हैं तो मैं आपको प्रेफर, मतलब हम लोग प्रेफर करेंगे कि आप मिंट लीव्स डालिए। तो चलिए हम लोग इसकी रेसिपी देखते हैं, आप ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर आपने कुछ पत्ते मिंट के लिए, आपने कैमोमाइल टी का एक सेशे लिया और आपने यूकोलिप्टस के सूखे हुए पत्ते लिए, एक ग्लास पानी में आपने ये डाला, तीनों को मिक्स किया, ढक के आपने बॉईल किया। फिर इसके बाद आपकी ये जो चाय है रेडी हो गई है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब ये चाय बन रही है, अभी जैसे आपको दिखाया कि जब आप इसका कवर ऊपर से रिमूव करते स्टीम आती है, ये स्टीम आपने बच्चों को देनी है या खुद भी लेनी है, तो इस टीम को वेस्ट नहीं करेंगे। देखा आपने वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग थी, और ऐसे ही रेसिपी आप आपने बनाना है। अगर ये वाली टी आप दिन में दो या तीन बार पीते हैं, सोने से पहले आप पीते हैं, अपने पैरों के तलवों पे आप अगर यूकोलिप्टस ऑयल, नीलगिरी का तेल का मसाज करोगे, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पर यूकोलिप्टस ऑयल लगाएंगे, अपने चेस्ट पर लगाएंगे, तो आपका कोल्ड कफ विद इन 3 डेज ख़त्म। ये टोटका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू।